नमस्कार, पंचायती टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। आज हम बात करेंगे एनडीए घटक की। बीजेपी उपचुनाव में हार के बाद एनडीए के जो घटक दल थे, जो बीजेपी के सहयोगी थे, उन्होंने भी आँख दिखाना शुरू कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार हों। और शिवसेना तो पहले से ही अलग तेवर की नज़र आ रही थी। उपचुनाव में शिवसेना ने अपने प्रत्याशी को बीजेपी के खिलाफ मैदान में भी उतारा था। हालांकि बीजेपी जीती, लेकिन उपचुनाव के बाकी चीज सीटों पे जो हार हुई है, उसके बाद एक मनाने का जो सिलसिला है सहयोगी दलों को, वो शुरू हो गया है। और इस सिलसिले की शुरुआत करते हुए अमित शाह आज उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना प्रमुख हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। और ये बात एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रूठा हुआ है, रूठे हुए को मनाने वाली होगी बात होगी, कि उनके घर पर जाएंगे, उनको मनाएंगे और गठबंधन को लेकर आगे बात होगी। और इसके बाद ही तय हो पाएगा कि 2019 का जो चुनाव है, उसमें शिवसेना एनडीए के साथ है कि नहीं। अब ये तो मुलाकात के बाद, मुलाकात में इनकी क्या डील होती है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की जो खबर है वो ये है कि आज शाम 6 बजे अमित शाह उद्धव ठाकरे के घर जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के घर जाके उनसे मुलाकात करेंगे और उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि अपनी जो अपना गुस्सा है, जो अपना आक्रोश है बीजेपी को लेके, जिस वजह से वो रूठे हुए हैं, उन चीज़ों को पूरा किया जाए। और 2019 में शिवसेना, जो कि बीजेपी की बहुत पुरानी मित्र रही है, 2019 में भी वो बीजेपी के साथ रहे और 19 चुनाव दोनों साथ में लड़े, ऐसी अपेक्षा के साथ अमित शाह आज उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहे हैं। शाम 6 बजे इन दोनों की मुलाकात उद्धव ठाकरे के घर पर होगी। इस मुलाकात में क्या खास होता है, हम इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी और हम यूट्यूब और फेसबुक के जरिए आप तक इसका कवरेज पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरें हम आपको यूट्यूब और फेसबुक के जरिए पहुंचाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।